स्वागत है आपका द गरमा पर और मैं आपके साथ रूपाली। क्या आपने कभी सुना है कोई ऐसा मंदिर जिसकी परछाई भी जमीन पर ना पड़ती हो, या फिर क्या कभी आपने ये सुना है कि किसी मंदिर पर 80 टन वजन पत्थर ले जाकर गुम्मत तैयार किया हो। आज हम आपको तमिलनाडु में स्थित एक ऐसे ही रहस्यमय मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, भगवान शिव का प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर शहर तमिलनाडु प्रदेश में स्थित है। हजार वर्ष पुराने बृहदेश्वर मंदिर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में विश्व धरोहर घोषित किया गया है। यह दुनिया में पहला और एकमात्र ऐसा मंदिर है जो पूरी तरह ग्रेनाइट पत्थरों से बना हुआ है। भोलेनाथ के इस मंदिर को लेकर निर्माण कला की एक विशेषता ये है कि इसकी गुम्बद की परछाई पृथ्वी पर नहीं पड़ती है, जिसे लेकर कई मान्यता है। बृहदेश्वर मंदिर को बृहदेश्वर मंदिर और राजेश्वर मंदिर नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर को लेकर कई रहस्य छिपे हैं। आइए इस वीडियो में हम आपको भगवान भोलेनाथ के प्राचीन मंदिर बृहदेश्वर मंदिर की उन्हीं रहस्य किस्सों के बारे में आपको अवगत कराते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि भोलेनाथ के मंदिर बृहदेश्वर महादेव निर्माण किसके द्वारा हुआ था। दरअसल भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल सम्राट राजराज चोल प्रथम ने स्वप्न में देवीय प्रेरणा प्राप्त होने पर करवाया था। मंदिर का निर्माण 1003 और 1010 ईस्वी के बीच हुआ है। ये मंदिर 13 मंजिल ऊंचा है और इसकी ऊंचाई 66 मीटर है। ये मंदिर 16 फीट ऊंचे ठोस चबूतरों पर बना हुआ है। बृहदेश्वर मंदिर में उत्कीर्ण लेखों के अनुसार मंदिर के मुख्य वास्तुविद कुंजर मल्लंद राजराज पेरुथन थे, जिनके खानदान के लोग आज भी वास्तुशास्त्र आर्किटेक्चर का कार्य करते हैं। आइए अब आपको बृहदेश्वर मंदिर के इतिहास के बारे में बताते हैं। बता दें कि चोल शासकों ने इस मंदिर को राजेश्वर नाम दिया था, परंतु तंजोर पर हमला करने वाले मराठा शासकों ने इस मंदिर को बृहदेश्वर नाम दे दिया। इस मंदिर के आराध्य देव भगवान शिव हैं। मुख्य मंदिर के अंदर 12 फीट ऊंचा शिवलिंग स्थापित है। ये द्रविड़ वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। मुख्य मंदिर के और गोपुराम निर्माण की शुरू से यानी 11वीं सदी से बने हुए हैं। इसके बाद मंदिर का कई बार निर्माण जीर्णोद्धार और मरम्मत हुआ है। युद्ध और मुगल शासकों के आक्रमण और तोड़फोड़ से मंदिर को क्षति हुई है। बाद में जब हिंदू राजाओं ने पुनः इस शस्त्र को जीत लिया तो उन्होंने इस मंदिर को ठीक करवाया और कुछ अन्य निर्माण कराए। बाद के राजाओं ने मंदिर की दीवारों पर पुराने पड़ रहे चित्रों पर पुनः रंग करवाया। मंदिर के कार्तिकेय भगवान माँ पार्वती और मंदिर में नंदी मूर्ति का निर्माण 16 से 17वीं सदी के नायक राजगांव ने करवाया। बता दें कि मंदिर में संस्कृत भाषा और तमिल भाषा के कई पुरालेख लिखे हुए हैं। अब बात करते हैं बृहदेश्वर मंदिर से जुड़े एक रहस्य की, जिसे लेकर हर कोई चौकन्ना है। बता दें कि बृहदेश्वर मंदिर वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। मंदिर ऐसे बनाया गया है कि इसके शिखर यानी गुंबद की परछाई जमीन तक पड़ती ही नहीं है। इसके शिखर पर लगे पत्थर कुंभन का वजन 80,000 किलो से, जो कि एक ही पत्थर का काट कर बनाया गया है। मंदिर के शिखर तक 80 टन वजनी पत्थर कैसे ले जाया गया, ये आज तक रहस्य बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि 1.6 किलोमीटर लंबा एक रैंप बनाया गया था, जिस पर इंच खिसकते हुए इस मंदिर के शिखर पर ले जाकर लगाया गया। आपको ये भी बता दें कि बृहदेश्वर महादेव का ये मंदिर ग्रेनाइट जैसा कठोर पत्थर से निर्माणित है। ग्रेनाइट की चट्टानें इतनी कठोर होती हैं कि उन्हें काटने छेद करने के लिए खास हीरे के टुकड़े लगे और औजार का प्रयोग करना पड़ता है। उस कालखंड में बिना आधुनिक औजारों के मंदिर में लगी चट्टानों को कैसे तराश कर महीन कलाकृत मूर्तियां बनाई गई होंगी, ये एक आश्चर्य विषय है। बहरहाल, क्या आपको बृहदेश्वर महादेव के इन अद्भुत रहस्यों के बारे में पता था? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही द कर्मा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।